إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा। नसीहत कीजिए जिसको तो मिलता है जवाब उल्टा। सदरे मुहतरम, हाजिरीन जलसा और दूर दराज से आए हुए मेहमानाने किराम और असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज दोस्तों, हमारे और आपके इस दुनिया के अंदर बहुत से रिश्ता होता है। एक रिश्ता होता है भाई भाई का रिश्ता, जो हमारे और आपके भाई होते हैं, और एक रिश्ता होता है बहन का रिश्ता, और एक रिश्ता होता है मियां बीवी का रिश्ता, और एक रिश्ता होता है माँ बाप का रिश्ता, जो सबसे अजीम रिश्ता है। हम सबको पैदा करने वाला हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जिसके जरिए पैदा किया है वो हमारे माँ बाप हैं। तो मैं इंशाल्लाह मैं इसी मौजू पर, यानी हुकूकुल वालिदैन के मौजू पर मैं इंशाल्लाह मैं आप हजरात के सामने गुफ्तगू करूँगा। तो आइए हम अपने असली मकसद की तरफ जाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को ताकीद फरमा रहे हैं कि तुम अपनी पैदा करने वाले और पालने वाले और परवरिश करने वाले की फरमा बरदारी और इताअत क्या करो। फिर आगे इरशाद फरमाया वह बिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अदब एहतराम से पेश आओ, अपने माँ बाप के साथ नरमी आवाज से बातें करो। बहुत से आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुकूक के साथ वालिदैन का हुकूक का जिक्र किया है। फिर आगे इरशाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर तेरे सामने ये दोनों माँ बाप या इनमें से एक भी बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें कभी भी उफ़ भी मत कहना, और न इन्हें झड़कना, और इनसे खूब अदब एहतराम से गुफ्तगु करना, और इनके साथ नरमी आवाज से बातें करना। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, माँ बाप होते क्या है, हमने और आपने माँ बाप को समझ क्या रखा है, माँ बाप होते क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए लोगों, अपने माँ बाप को अपने रहमत के बाजुओं में छुपा लो, जिस तरह एक परिंदा अपने बच्चों को बचाने के लिए, आंधी से बचाने के लिए, तूफान से बचाने के लिए अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेता है, ए लोगों तू भी अपने माँ बाप को अपने रहमत के बाजुओं में छुपा लो।
और उनके बाद और उनके लिए दुआ क्या करो, और वो दुआ कौन सी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे परवरदिगार आलम, उन दोनों पर रहमत नाजिल फरमा जैसा कि दोनों ने मुझे बचपन में पाला है, जैसा कि दोनों ने मुझे बचपन में पाला है, परवरिश की है। ए मेरे परवरदिगार आलम, इन दोनों पर रहमत नाजिल फरमा। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गो दोस्तों, इस आयत से बात मालूम होती है कि हम ऐसे ही 20-25 साल का नौजवान नहीं हो गए हैं, हम ऐसे ही हट्टा खट्टा नहीं हो गए हैं। हमारी खातिर हमारे माँ बाप ने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं, हमारी खातिर हमारी माँ बाप ने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ, हम जब जब पेशाब कर देते थे तो हमारी माँ उस गीली बिस्तर पर सो गई और हमें सूखी बिस्तर पर सुलाया। हमको बिस्तर पर पेशाब कर देते थे तो हमारी माँ गीली बिस्तर पर सोना गवारा किया, लेकिन हमें सूखी बिस्तर पर सुलाया। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे बाप ने हमारी खातिर अपने जान व माल को कुर्बान कर दिया, और आज यही बेटा अपने बाप से कह रहा है कि मेरे बाप तूने मेरे लिए क्या ही किया है, और आज यही बेटी अपनी माँ से कह रही है कि मेरी माँ तूने मेरे लिए क्या ही किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गो दोस्तों, आज हमारे समाज के हालात है, आज हमारे घरों की हाल है, आज हमारी सोसाइटी के हाल है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। मैं किसी और दीनी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। मैं इस्लाम की मानने वाले की बात कर रहा हूँ, जिस इस्लाम ने माँ बाप को इतना बड़ा मुकाम दिया है, जिस इस्लाम ने माँ बाप को इतना बड़ा रुतबा दिया है। आज उस इस्लाम के मानने वाले अपने माँ बाप से कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते और कितना दिन जियोगे। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गो दोस्तों, आज हमारे समाज में, आज हमारे घरों में, आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे हजरात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से हिफाजत फरमा, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर एक जगह इरशाद फरमा रहे हैं, अनिश्कुरनी वलिवालिदैक, मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का एहसान मंद रहना, इसलिए कि माँ बाप दुनिया में तरह तरह की परवरिश करते हैं। जानना चाहे कि जब इंसान अपनी माँ की रहम में होता है, जब इंसान अपनी माँ के पेट में रहता है, तो उसकी माँ हमल के जमाने से लेकर विलादत तक, उसकी माँ हमल के जमाने से लेकर जन्म देने तक तरह तरह की परवरिश करते हैं। और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको दूध पिलाते हैं, और उसकी पाखाना और पेशाब साफ करते हैं, और उसकी इजाओं और तकलीफों को बर्दाश्त करते हैं, और उस पर अपना आराम, अपनी राहत, अपनी जान और माल को कुर्बान कर देती है, सिर्फ इस वजह से कि बच्चा को किसी चीज की परेशानी ना हो, सिर्फ इस वजह से कि बच्चा को किसी चीज की तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चे की खातिर अपने जान और माल को कुर्बान कर देती है, सिर्फ इस वजह से कि बच्चा को किसी चीज की परेशानी ना हो, बच्चा को किसी चीज की तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गो दोस्तों, माँ बाप की खिदमत करनी बहुत जरूरी है। माँ बाप की खिदमत करनी क्यों जरूरी है? इसकी इताअत करना क्यों फर्ज है? सालिया और शफीक माँ जो मुशक्कत बर्दाश्त करती है अपने बच्चे पर, जो कि वो तकलीफ उठाती है, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, जब बच्चा अपनी माँ की रहम में होता है, तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, यहाँ तक कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना खाना पीना दुश्वार हो जाता है, थोड़ी दूर कुछ दूर चल नहीं पाती। वरबत हो तिफला, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पिलाती है, और अपनी छाती से उसको तकरीबन 2 साल तक दूध पिलाती है। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गो दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है, क्या हमने कभी गौर और फिक्र किया है कि माँ बाप का हक क्या है? मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गो दोस्तों, जरा गौर करें कि माँ बाप अपने बच्चे के खातिर कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त करती है, और कई कई रातें जाग जाग कर गुजारती है। जरा सा तुम रो देते थे तो वह बेचैन हो जाती थी और अपने नींद को खराब कर लेती थी, और तुमको बहला बहला कर सुलाती थी।
जरा से तुम तकलीफ में मुबतला होते थे तो वह तुम्हारी माँ उस तकलीफ को दूर करने के लिए खुद हजारों तकलीफों को उठाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही नहीं कि तुम बड़े हो जाओ, नहीं नहीं ओ मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब तुम बड़े हो जाते हो तब भी तुम्हारी माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा एक हाफिज कुरान बने, मेरा बेटा एक इंजीनियर बने, मेरा बेटा एक डॉक्टर बने, मेरा बेटा एक आलिम दीन बने। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, माँ बाप इतनी सारी तकलीफें उठा लेने के बाद, माँ बाप इतनी सारी मुसीबतें उठा लेने के बाद हमारे समाज में, आज हमारे मोहल्ले में, आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे हालात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, जो अपने माँ बाप को सताते हैं, जो अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल देते हैं, जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप को सताने वालों, वो अपने माँ बाप को तकलीफ देने वालों, वो अपने माँ बाप को अपने घरों से निकालने वालों, सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर तुम्हारी माँ बाप अगर तुमसे खुश है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुमसे खुश है, अगर तुम्हारी माँ बाप अगर तुमसे नाराज है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपसे नाराज है। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जरा गौर करें कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खफा है, तो हम बताइए, हम सोचे कि हम जन्नत में कैसे जाएंगे। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मा हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन का क्या हक है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमा जन्नतुका व नारुक, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी दोजख है। मतलब ये है कि अगर तुम उनके साथ फरमा बरदारी करोगे, अगर तुम उनके साथ अदब एहतराम से पेश आओगे, अगर तुम उनके साथ नरमी आवाज से बातें करोगे तो तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे, अगर तुम उनके साथ बेअदबी से पेश आओगे, अगर तुम उनके साथ बुरा सलूक करोगे, अगर तुम उनके साथ नाफरमानी करोगे तो तुम जहन्नम के हकदार बन जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, याद करो उस वक्त को जब तुम पैदा हुए थे, कुछ भी ना थे, गोश्त का एक टुकड़ा थे, अपने आप को करवट बदल नहीं पाते थे, किसी को पहचानते थे नहीं, किसी को जानते थे नहीं, यहाँ तक कि अपने नफा नुकसान पर भी कादिर नहीं थे। आज जब तुम होश वाले हो गए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको ताकत दी है, तो आज हम उन तमाम इंसानों को इस कदर भुला बैठे हैं, आज उनको याद करने की बात तो दूर की बात है, आज हमारे दिलों में उनका ख्याल भी नहीं होता है। आई आखिर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वाखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।